हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल। गाइस, आई होप कि आप लोग अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए होंगे और मैं भी पूरी तैयारियों में लगा हुआ हूँ। देखो, लगातार मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अभी सुबह सुबह मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दिया है कि पेपर पैटर्न नेक्स्ट पेपर का आपका कैसा होगा, किस तरह से अपियर होना है। चैनल का प्लेलिस्ट आप देख लो, इसमें आप आराम से जा सकते हो। क्लास 10 टर्म 2 सोशल साइंस पेपर के लिए ये मैंने स्पेशल फोल्डर बनाया है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां मिल जाएंगी। तो गाइज, यहां पे अभी एक बड़ा अपडेट आया है कि लगातार जो पेपर लीक के मामले जो हो रहे थे ना, उसको देखते हुए सीबीएसई ने काफी नई चीजों को, चेंजेस को लागू किया है। नए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं टर्म 2 एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ये बहुत ज्यादा मस्त है। देखो अभी हो क्या रहा है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है ना, उसके बाद से सीबीएसई ने बहुत सख्त रुख अपना दिया है। आपको शायद जानकारी होगा, आई होप, कि बीपीएससी पेपर जो है वो लीक हो गया। उसके बाद में जो एग्जाम्स है वो वहां के थे, वो एग्जाम कैंसिल भी कर दिए गए बीपीएससी एग्जाम को। तो इसके बाद में सीबीएसई ने ये फैसला लिया कि भाई टर्म 2 एग्जाम में कोई वो लापरवाही नहीं बरतेंगे। ऑब्जर्वर की संख्या बढ़ा दी गई है, क्वेश्चन पेपर किस तरह से लाया जाएगा, स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाएगा, फ्लाइंग स्क्वाड का क्या क्या काम होगा, बहुत सारे चीजों को, चेंजेस को यहां लाया गया है। तो गाइज, अभी जल्दी से देखो कि यहां पे अभी सीबीएसई ने क्या क्या गाइडलाइंस को जारी किया है, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो यहां पे सबसे पहले सीबीएसई ने क्या गाइडलाइन जारी किया है कि सबसे पहला पॉइंट कि बोर्ड एग्जाम शुरू होने के बाद 1 घंटे तक किसी भी स्टूडेंट को क्लास के बाहर जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ऐसा परमिशन देने से सीबीएसई ने साफ कर दिया, ताकि जो पेपर लीक की घटनाएं आ रही है ना, उस पर रोक लगाया जा सके। ये सीबीएसई का मकसद है, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट जो है कि क्वेश्चन पेपर लाने की जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की होती थी अभी तक, लेकिन अब उनके साथ में एक ऑब्जर्वर भी जाएगा और उसे सील्ड क्वेश्चन पेपर को उसकी फोटो भी बोर्ड को अपलोड करना होगा। मतलब सिर्फ पेपर लाने से नहीं चलेगा, उसको रोका भी जाएगा। देखो अभी आगे बढ़े इससे पहले यहां पे एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा था इंग्लिश पेपर फर्स्ट पेपर में भी, मैथ्स पेपर में भी, इवन साइंस पेपर में भी, कि कई यूट्यूब चैनल्स भी जो है वो दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया और वो दिखा रहे हैं, बाकायदा पेपर दिखा रहे हैं। सो इट्स वेरी शॉकिंग। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक पहले इंपॉर्टेंट अपडेट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छी अपडेट आप सभी क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए। गाइज, अभी जैसा कि अभी आपको पता है, ड्यू टू कोविड एंड ऑल, रिसेंटली हमने बहुत सारे चेंजेस को देखा एग्जाम पैटर्न में, सिलेबस में, जिनको सभी चीजों को समझना जरूरी है और यह जानना जरूरी है कि अभी के करंट सिनेरियो में आप कहां स्टैंड करते हो। तो गाइज, अन अकेडमी इसी चीज को लेकर के लेकर आपके लिए लेकर आया है अन अकेडमी एम, जो बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। यह 1 घंटे का टेस्ट है, ठीक है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और क्वाइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन होगा और इसमें आप को बहुत बड़ा बेहतरीन मौका मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को यूज करके फ्री में एनरोल कर सकते हो, कभी भी आप इस टेस्ट को दे सकते हो। ये 1 घंटे का टेस्ट है, ठीक है, जो कि आप कभी भी दे सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हो। और साथ ही साथ में देखो, इसमें आपको मौका मिल रहा है कि आप ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट के साथ में कंपीट कर पाएंगे, आपका परफॉर्मेंस जो है वो एनालाइज किया जाएगा और इस टेस्ट के बाद में आपका जो डिटेल्ड जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ना, वो आपके साथ शेयर भी किया जाएगा, सो डेट कि आप जान पाओ कि आपके स्ट्रांग पॉइंट कौन कौन से हैं, आपके वीक पॉइंट कौन से हैं, किस सेक्शन में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो इस पे आप एनालाइज कर पाओगे, जो इस वक्त जरूरी भी है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने अभी आपको बताया कि आप जीत सकते हो इसमें पार्टिसिपेट करके स्कॉलरशिप अप टू 100%। सो गाइज, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से वहां जाओ और एनरोल कर लो यूजिंग माई रेफरल कोड विशाल केआर। आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हो, तो ये आपके लिए एक और बेनिफिट तो है ही है, ठीक है। तो जल्दी से कर लो इस। आप ये सोचो कि यूट्यूब में अगर डायरेक्ट दिखाया जा रहा है पेपर को और दिखा दिया जा रहा है, बच्चों को कहा जा रहा है ये क्वेश्चंस हैं, तो ये कितना सीरियस मैटर है आप समझ सकते हो। इसमें किसी का फायदा नहीं होने वाला। पहला, सीबीएसई को जैसे ही पता चलेगा, मान लो वो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर होता भी है भी, हालांकि संभव नहीं है, लेकिन अगर होता भी तो वो पहले तो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको दोबारा एग्जाम बैठना पड़ेगा, समझ रहे हो। और हो सकता है उस समय ज्यादा टफ कर दिया जाए पेपर, सो हम पेपर कैंसिलेशन की तरफ बढ़े ही क्यों, है ना। तो अब देखो यहां पर सीबीएसई ने एक तीसरा पॉइंट जो यहां पर कहा कि एग्जाम सेंटर से 100 मीटर दूरी तक के अंदर में धारा 144 लागू कर दी जाएगी। धारा 144 मतलब एक जगह पे 3 से 4 आदमी भी मिलकर के खड़े नहीं हो सकते, साथ में खड़े नहीं हो सकते, साथ में बात नहीं कर सकते। मतलब एग्जाम सेंटर से समझ लो कि चारों तरफ, मतलब 100 मीटर की रेडियस में, ठीक है, धारा 144 लागू होगा। ये एक बड़ा स्टेप है,
पेपर लीक होने वाले सारे चीजों को रोकने को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हॉल में ही खोला जा रहा है और इस दौरान स्टूडेंट्स के साइन भी लिए जा रहे हैं सामने में। मतलब अब आप सोचो कि सिर्फ इतना ही नहीं चलेगा, मतलब ये भी किया जाएगा भाई आपका सिर्फ टीचर्स का ही सिग्नेचर ना हो या सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट का ही ना हो, बल्कि ऑब्जर्वर भी रहेंगे और एक दो तीन जो स्टूडेंट्स हैं उस सेंटर उस क्लासरूम के वो जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी सिग्नेचर यहां पे लिया जाएगा, सो डेट के एक प्रूफ रहे कि हाँ भाई स्टूडेंट्स की प्रेजेंस में ये क्वेश्चन पेपर सील पैक क्वेश्चन पेपर को खोला गया। नेक्स्ट यहां पे देखो कि हर एग्जाम में सेंटर में फ्लाइंग स्क्वाड जिसे कहा जाता है सीबीएसई फ्लाइंग स्क्वाड उसका निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब वो इंस्पेक्शन होगा ही होगा। अब आप मुझे बताना आपके सेंटर में इंस्पेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइज बहुत सेफ्टी के साथ में चलना है। मैं आपको एक खास बात बता देता हूं, मैंने ये बहुत सालों से होते हुए देखा है, आप जिस जगह बैठते हो ना बैठने से पहले देख लेना वहां बेंच में कुछ लिखा विखा ना हो, बहुत लोग लिख देते हैं ना। आपका रूम हो सकता है हर दिन चेंज हो, ये भी होता होगा, क्लासरूम चेंज हो या ना भी हो, मान लो आप हर दिन एक ही क्लासरूम में एक ही बेंच में बैठ भी रहे हो तो भी देख लो भाई आसपास में कोई चिटविट तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई कागज का टुकड़ा नहीं पड़ा हुआ है। अगर है तो पहले ही एग्जाम छोड़ने से पहले ही जो भी टीचर है उनको आप दे दो कि सर आप ये ले लीजिए भैया ये मेरा नहीं है, ठीक है। बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है, ठीक है, इंस्पेक्शन तो बाद में होगा ना, वो आपका था आपने उससे कुछ लिखा कि नहीं लिखा, वो चिट असली में है कि नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन तब तक के लिए आपका एग्जाम तो हॉल्ट हो जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा, आपको बेकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सो फॉलो दीज रूल्स, ये सीबीएसई की नई गाइडलाइंस है, यहां आप देख सकते हो, आई एम शोइंग इट टू यू, ये नई गाइडलाइंस है सीबीएसई की, ठीक है। सो आपको इसे फॉलो करना ही करना है। और अब देखो गाइस लगातार मैं आपके लिए चैनल पे नए वीडियोस लेकर आ रहा हूं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इन जो वीडियोस हैं इसको देखना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। जल्दी से आप देखो, ये आपका फोल्डर है और यहां देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफिशियल ब्लूप्रिंट हो गया, आज सुबह सुबह मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दिया है, इसको देख लेना कि आपका सोशल साइंस का पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस सेक्शन को पहले करना है, किसको बाद में करना है, कहां क्या छोड़ना है, कहां क्या नहीं छोड़ना है, सब कुछ इसके अंदर है। इसको देखो और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज फ्रॉम माई साइड, जय हिंद जय भारत।